हानियास किचन में आपका स्वागत है। बेहतरीन, जायकेदार और लजीज पकवान सीखने के लिए हानियास किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। रमजान स्पेशल में आज हम आइसक्रीम फालूदा बनाएंगे। फालूदा के इंग्रेडिएंट्स हैं 1 लीटर दूध, फालूदा, ये रेडीमेड फालूदा मैंने लिया है, 6 टेबलस्पून शक्कर, 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर मैंने ब्राउन पॉल्सन का लिया है, वनीला आइसक्रीम, आप कोई भी फ्लेवर के आइसक्रीम ले सकते हैं, रूहअफ़ज़ा मैंने ग्लास में ले लिया है, रूहअफ़ज़ा, आधा ग्लास ठंडा दूध, 1/2 टीस्पून रोज एसेंस। सबसे पहले हम दूध को गैस पे रख देंगे, गैस को आप स्लो आंच पे रखिए, दूध को एक बॉईल आने दीजिए, उसके बाद हम इसमें कस्टर्ड पाउडर मिलाएंगे। अब आप इस ठंडे दूध में थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड पाउडर मिलाइए ताकि लम्स फॉर्म ना हो। हमारे दूध ने एक बॉईल दे दिया है, अब हम इसमें कस्टर्ड मिलाएंगे, इसे धीरे धीरे मिलाइएगा, एक साथ मत डालिएगा। और मुस्तकिल चलाती रहिएगा। और इसे तब तक चलाइए जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए, 5 से 10 मिनट तक में ये पक जाएगा। देखिए इस तरह ये पकने लगा है। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे, धीरे धीरे करके शक्कर भी डालिए ताकि अच्छे से घुल जाए इसमें। मैंने शक्कर कम लिया है क्योंकि रूहअफ़ज़ा में ऑलरेडी शक्कर होती है। अगर आप रूहअफ़ज़ा नहीं यूज़ कर रहे हैं तो 7 या 8 टेबलस्पून शक्कर लीजिएगा। गैस को स्लो आंच पे ही रखिएगा। अब हम इसमें ये रोज़ एसेंस डालेंगे, 1/2 टीस्पून। अब 5 मिनट इसे चलाते रहिए मुस्तकिल। देखिए हमारी शक्कर एकदम अच्छे से डिसॉल्व हो चुकी है। अब आप गैस बंद कर दीजिए और दूध को चिल्ड होने के लिए रख दीजिए, एकदम अच्छे से चिल्ड कीजिएगा दूध को। हमारा कस्टर्ड चिल्ड हो चुका है, अब ये फालूदा हम इसमें मिला देंगे, धीरे धीरे करके आप इसमें डाल दीजिए। अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे इस ग्लास में ले लेंगे जिसमें हमने थोड़ा सा रूहअफ़ज़ा पहले से लिया हुआ है। धीरे धीरे करके आप इसमें डालिए। फालूदा ग्लास को लेने के बाद अब हम इसमें ऊपर से आइसक्रीम डालेंगे। मैंने पहले भी कहा है आप कोई भी फ्लेवर की आइसक्रीम ले सकते हैं, मैंने वनीला लिया है। इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दीजिए और ऊपर से रूहअफ़ज़ा से। हमारी यम्मी फालूदा आइसक्रीम रेडी है।